मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 11, चैप्टर नेम सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी संरक्षण की विधियां के बारे में आपको मैं आज पढ़ाऊंगा। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी संरक्षण की विधियां। यू नो अबाउट सॉइल कंजर्वेशन, इट्स मीन्स वी कंजर्व सॉइल अगेंस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड विंड्स एंड एयर। वी यूज सम मेथड टू कंजर्व सॉइल इरोजन फ्रॉम वाटर विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटी। सो यू नो अबाउट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सम मेथड्स आर यूज अगेंस्ट सॉइल इरोजन एंड दैट मेथड्स आर कॉल्ड मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मेथड फर्स्ट एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वृक्षारोपण। क्या होता है? वृक्षारोपण, इसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। वी शुड डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन। आई का मतलब होता है फुल नेम इड डेस आई ई, इस प्रकार होता है आई ई, आई से होता है इड आई डी इड और ई से होता है एस्ट अर्थात इड एस्ट, और इड एस्ट का मतलब होता है अर्थात। तो वी शुड डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन इड एस्ट i.e. to cutting of tree। हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन में होता है वृक्ष की कटाई यानी वनोन्मूलन, यानी वनोन्मूलन को हतोत्साहित करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन को अर्थात यानी कहने का उसका मतलब है कि डिस्करेज टू कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए, उसे पेड़ की कटाई को न करने के लिए लोगों को बताना चाहिए। अर्थात आई डिस्करेज टू कटिंग ऑफ ट्रीज। यू नो अबाउट डिफॉरेस्टेशन, अर्थात वृक्ष की कटाई को हम लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम एयर एंड वाटर। दिस मेथड इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। यू नो अबाउट एफॉरेस्टेशन बाय दिस फिगर। वी शुड प्लांट Thank you.
वी शुड प्लांट मोर ट्रीज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। हम लोगों को अधिक से अधिक वृक्षों की रोपाई करनी चाहिए जिसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। यू नो अबाउट एफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्षारोपण। हम लोगों को वृक्ष की रोपाई करनी चाहिए, मोर ट्रीज को प्लांट करना चाहिए एंड वी कॉरेज सम पर्सन एंड वी सजेस्ट एनी पर्सन टू प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट ट्रीज अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्री। हम लोगों को चाहिए कि लोगों को यह समझाएं, बताएं, उन्हें शिक्षा दें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं एवं अनावश्यक बिना कोई कारणवश वृक्ष की कटाई न करें। दिस मेथड इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन मेथड इज वेरी इफेक्टिव मेथड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल एरोजन बाय विंड एंड वाटर। सो एफॉरेस्टेशन मेथड इज वेरी हेल्पफुल अगेंस्ट सॉइल एरोजन। इस प्रकार एफॉरेस्टेशन मेथड वृक्षारोपण में विधि मिट्टी के कटाव से रोकने में उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट मेथड है सॉइल कवर। क्या है? सॉइल कवर। सॉइल कवर, सॉइल मीन्स मिट्टी और कवर मीन्स आच्छादन अथवा ढकना। मिट्टी आच्छादन करना, मृदा आच्छादन, मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है। मिट्टी आच्छादन या मृदा आच्छादन या मिट्टी का ढकना। When the harvesting of cattle in the fields are bare, फसलों की कटाई हो जाने के बाद खेत की मिट्टी बेयर मीन्स खाली खाली हो जाती है एंड दिस काउजेज व्हेन द स्पीड ऑफ विंड एंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर ड्यूरिंग रेन द सॉइल इज और इरोडेड बाय विंड एंड वाटर वेरी फास्टली। सो वी शुड प्रैक्टिस वेजिटेशन ऑन द बेयर लैंड एंड बैंक साइड ऑफ द फील्ड। हम लोगों को फसल खाली हो जाने के बाद अधिक से अधिक वेजिटेशन मिस होता है वनस्पति, और वनस्पति का अंतर होता है पेड़ पौधे मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। तो खाली खेत में चारों तरफ किसान को पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां लगा देना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब कार्य करना चाहिए, लगाने का कार्य करना चाहिए। सो सॉइल कवर इज कंजर्व बाय वेजिटेशन एंड ग्रास। यू नो अबाउट सॉइल कवर। सॉइल कवर इज द मेथड सॉइल कवर इज द मेथड सच एज प्लांट वेजिटेशन एंड मोर ट्रीज बैंक साइड ऑफ फील्ड्स दे प्रोटेक्ट सॉइल एरोजन फ्रॉम विंड एंड वाटर। सॉइल कवर अर्थात मिट्टी का ढकना भी एक यूजफुल मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। सॉइल कवर के लिए
वेजिटेशन अर्थात वनस्पति लगाना एवं अधिक से अधिक पेड़ पौधे एवं ग्रास का प्लांटिंग करना, रोपाई करना, जिसके कारण ग्रास सॉइल को जकड़े रखती है, कैच की हो रहती है एंड दे प्रोटेक्ट सॉइल अगेंस्ट विंड एंड वाटर। दीज काउजेस द सॉइल इज कंजर्व फ्रॉम सॉइल एरोजन। इस प्रकार घास एवं वनस्पतियां खेत की मिट्टियों को कसकर जकड़े रखती है एवं मिट्टी के अपरदन होने से रक्षा करती है। सो सॉइल कवर इज वेरी यूजफुल मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। इसलिए मिट्टी का ढकना भी मिट्टी के संरक्षण के लिए उपयोगी विधि है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में होता है सीढ़ीनुमा खेती। क्या होता है सीढ़ीनुमा खेती, चबूतरा नुमा खेती। इन हिली एरियाज फार्मर्स मेक अ स्टेप बाय स्टेप इन दियर फील्ड्स बिकॉज व्हेन द फ्लोइंग ऑफ वाटर रीचेज इन दियर फील्ड्स द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो डाउन इन दियर फील्ड्स स्टेप बाय स्टेप and the soil is conserved in their fields and these steps is useful to control their soil against soil erosion by flowing of water. Terrace farming अर्थात सीढ़ीनुमा खेती का एक विधि है जो पहाड़ी क्षेत्रों में यूज किया जाता है। इन हिली एरिया फार्मर्स मेक स्टेप बाय स्टेप इन दियर फील्ड्स। इस प्रकार से हिली एरियाज में वेन द फ्लोइंग ऑफ वाटर पर्वतीय क्षेत्रों में इन हिली एरियाज पर्वतीय क्षेत्रों में The flowing of water reaches in their fields. The flow of water is passes in their field step by step. At first step, second step, third step, and then last in their step and soil and water is stored in their field. इस प्रकार फर्स्ट स्टेप में जो स्टेप बनाया हुआ है, इस स्टेप में जब वर्षा होती है, वर्षा का जल बहती हुई फर्स्ट स्टेप में कंट्रोल होकर उसके बाद ओवरफ्लो ऑफ वाटर इज पासेस फर्स्ट स्टेप एंड पास गोइंग इन सेकेंड स्टेप एंड देन पास ए थर्ड स्टेप नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप एंड द सॉइल इज कंजर्व इन दियर स्टेप फील्ड। इस प्रकार सीढ़ीनुमा की तरह बनाए हुए खेतों में बहती हुई जल अपने साथ मिट्टी को कटाव नहीं कर पाती, इरोडेट नहीं कर पाती है। दिस कॉज द
द सॉइल इज कंजर्व एंड टेरेस फार्मिंग इज गुड मेथड इन हिली एरियाज टू प्रोटेक्शन ऑफ टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सो यू नो अबाउट टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या है? टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती. एंड टेरेस फार्मिंग कहाँ यूज होता है? हिली एरिया में, पर्वतीय क्षेत्रों में. एंड द फार्मर्स ऑफ हिली एरिया मेक स्टेप बाय स्टेप इन दियर फील्ड, अपने खेतों में इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप, खांट बाय एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, इस प्रकार अर्ध मेड़ बना लेते हैं. और इस मेड़ के द्वारा उनकी खेत की मिट्टी भी कंजर्व रहती है. एंड ब्लोइंग ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर डू नॉट इरोडेड सॉइल इन देयर फील्ड्स बिकॉज दे मेक द स्टेप. क्योंकि वे खेतों में किसान स्टेप बना देते हैं मेड़, और मेड़ स्पीड ऑफ वाटर को क्या करती है? ब्रेक करती है, रोकती है. सो दिस काउज इट द स्पीड ऑफ वाटर स्लो एंड दे डू नॉट इरोडेट सॉइल. इस कारण खेत की जो बनाए हुए स्टेप है, मेन है, जल वर्षा के जल की स्पीड को कम करती है. एंड दिस काउज इज द रेन वाटर द स्पीड ऑफ वाटर इज स्लो डाउन एंड दे डू नॉट इरोडेड सॉइल. और इस कारण जब वर्षा की स्पीड जल के गति को या मेड़ रोकती है और उसके अपने ऊपर से जल को दूसरे स्टेप में जाने देती है, इस प्रकार ये मेड़ जो है स्टेप है, ये वर्षा के जल के स्पीड को कम कर खेत की मिट्टी को कंजर्व बनाए रखती है, संरक्षित करती है. सो दस सो ट्रेस फार्मिंग इज गुड मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा खेती बहुत ही उपयुक्त विधि है. इसके बाद इसको आप बना सकते हो फिगर को, दोनों को, और चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं पॉइंट्स को. थर्ड पॉइंट हो गया, नोट कर लिए हैं तो इसको क्लियर कर रहे हैं. नेक्स्ट है, इसके बाद मेथड का नाम है शेल्टर बेल्ट. क्या है शेल्टर बेल्ट? शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है आश्रय पेटी या रक्षा पेटी, आश्रय मेखला या रक्षा पेटी. तो थर्ड पॉइंट का नाम क्या है? शेल्टर बेल्ट. शेल्टर बेल्ट मीन्स रक्षा पट्टी. शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है रक्षा पट्टी अथवा आश्रय मेखला. एक मेखला एक पट्टी होता है मेड. बेल्ट का मतलब मेड़ कह सकते हैं, अंडरस्टैंड. शेल्टर मतलब आश्रय, रक्षा के लिए, सॉइल के फील्ड के सॉइल को प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए बेल्ट यानी कवच बनाया जाता है मेखला, उसी को पट्टी कहते हैं. अर्थात आश्रय मेखला अथवा रक्षा पट्टी, शेल्टर बेल्ट का मतलब, अंडरस्टैंड. फार्मर्स मेक फेक्स बुशेस एंड ट्रीज ऑन द बैंक साइड साइड्स ऑफ इन दियर फील्ड्स. किसान अपने खेत के किनारे हेड्स, H-E-D-G-S हेड्स मीन्स होता है मेड़ो. किसान अपने खेत के चारों, फार्मर ये खेत है, खेत के चारों क्या करते हैं? मेड़ा बनाते हैं इस प्रकार हेड्स. क्यों? अभी पढ़ा चुके हैं इसमें, कई कारण है. जल वाटर कंजर्वेशन
के लिए, सॉइल इरोजन के लिए, फील्ड में वर्षा का रेनी वाटर जब उसमें स्टोर होगा तो सॉइल के लिए, उसमें फसल के लिए, कैटल के लिए यूजफुलनेस होगा। तो दिस काउजेज फार्मर्स मेक हेज इन डेजर्टेड एरिया, फार्मर्स मेक प्लांटिंग बूसेज, झाड़ियां लगाते हैं क्योंकि डेजर्टेड एरिया में सैंड ही सैंड होता है एंड द बूसेज आर डेजर्टेड प्लांट, झाड़ियां मरुस्थलीय पौधे होते हैं बिकॉज दे नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि कम जल की मात्रा में वे डेजर्ट में अलाइव सर्वाइव होते हैं। दिस काउजेज द फार्मर्स मेक बूसेज एंड द फार्मर्स ऑल्सो प्लांट ट्रीज, किसान बैंक साइड ऑफ द फील्ड प्लांट ट्रीज, किसान खेत के चारों तरफ किनारे किनारे पेड़ का बाड़ लगाते हैं, घेरा लगाते हैं क्योंकि द ट्रीज हेज एंड बूसेज कंट्रोल द स्पीड ऑफ विंड एंड वाटर, सो दिस काउजेज दे आर हेज, बूसेज एंड ट्रीज आर कॉल्ड विंड ब्रेकर्स, क्योंकि मेढ़ा बनाने से किसान खेत के चारों ओर वृक्ष लगाने से पेड़ पौधे लगाते हैं, झाड़ियां लगाते हैं, ये सभी हवा की गति को अवरोध करती है, अवरोध रुकती है, उसकी गति को कम करती है, वर्षा के जल के स्पीड को रोकती है एंड मेढ़ा में अंदर जल के रिटेन की हो जाती है, वर्षा के जल को ये रिटेन बरकरार रखती है एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द हेज द वाटर इज आउट, और इस घेरा से ऊपर वाला जल उस हेज से, उस फील्ड से आउट होता है, बाहर होता है एंड विद इन द हेज द वाटर इज रिटेन, उसमें बरकरार रखती है। सो दिस काउजेज फार्मर्स मेक शेल्टर बेड्स इन दियर फील्ड्स, सो आश्रय मेखला अथवा रक्षा पट्टी ये एक कवर, एक कंजर्वेशन का कार्य करती है अगेंस्ट सॉइल एरोजन बाय विंड, ये शेल्टर बेड्स विंड की स्पीड को ब्रेक करती है, रुकती है एंड दे कंजर्व सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन, वे पवन वायु की गति को कम कर उसके खेत के नीचे की उपलब्ध अंदरूनी मिट्टी की मात्रा को प्रोटेक्शन करती है, कंजर्वेशन करती है एंड दे डू नॉट डिस्ट्रॉय, और वे क्षतिग्रस्त नहीं हो पाती है क्योंकि हवा की स्पीड को शेल्टर बेड्स आश्रय मेखला कमजोर करती है और इस कारण सॉइल कंजर्वेशन होता है। तो इस प्रकार आप शेल्टर बेड्स के बारे में जाने, दिस इज द इफेक्टिव मेथड फ्रॉम इरोजन ऑफ सॉइल, दे कंजर्व सॉइल, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर फार्मर्स डूइंग इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट मेथड embankments on rivers embankments में होता है तटबंधों, नदियों पर तटबंधों का निर्माण। द मेथड
embankments on rivers are very useful on the bank side of rivers. तटबंधों का निर्माण नदियों के तटों की ओर बहुत ही प्रभावकारी होता है बिकॉज बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स कंट्रोल द स्पीड ऑफ ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर एंड दे कंट्रोल द बैंक साइड ऑफ रिवर्स एंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर स्लो डाउन दीज काउजेज द एम्बैंकमेंट प्रोटेक्ट द बैंक साइड ऑफ रिवर्स सॉइल एम्बैंकमेंट्स और रिवर्स नदियों पर तटबंधों का निर्माण करने से यह तटबंध नदियों के किनारे बनाए जाते हैं तटबंध नदियों के ऊपरी जल को रोककर नदियों के किनारे वाले मिट्टी के बचाव करती है एंड दे डू नॉट डिस्ट्रॉय सॉइल और इसके कारण नदियों का जल उसके बगल वाले खेत की मिट्टियों को इरोडेड अपरदित नहीं कर पाती है बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स ऑफ रॉक्स और सॉइल ड्यूरिंग द ऑन द बैंक साइड ऑफ रिवर्स तटबंधों का निर्माण में चट्टानों अथवा मिट्टियों का बाड़ लगाया जाता है नदियों के तटों की ओर सो द एम्बैंकमेंट्स आर वेरी इफेक्टिव मेथड्स फ्रॉम सॉइल इरोजन बाई फ्लोइंग ऑफ वाटर नदियों के प्रवाहित जल से बचाव करने के लिए तटबंध नदियों को बनाए गए तटबंध बहुत ही प्रभावकारी मेथड होता है एम्बैंकमेंट्स आर कॉल्ड बंड्स इन्हें मेढ़ों भी कहते हैं एम्बैंकमेंट्स को बंड्स कहते हैं बंड्स BUNDS बंड्स मीन्स होता है मेढ़ों अर्थात नदियों के किनारे आप देखते होंगे घेराबंदी किया हुआ रहता है ईंट से अथवा बोरियों में चट्टानों भर भर कर नदियों के कटाव वाले क्षेत्र के दोनों साइड अरेंज किए रहते हैं तो दिस काउजेज द एम्बैंकमेंट्स आर कॉल्ड बंड्स तटबंधों को बंड्स भी अर्थात मेड़ों भी कहते हैं दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर सॉइल कंजर्वेशन मिट्टी संरक्षण के लिए एम्बैंकमेंट ऑन रिवर्स भी बहुत ही प्रभावकारी होता है सो यू नो अबाउट सम मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन फर्स्ट क्या था एफॉरेस्टेशन सेकेंड सॉइल कवर थर्ड टेरेस फार्मिंग फोर्थ शेल्टर बेड्स एंड लास्ट एम्बैंकमेंट्स ऑन रिवर्स नदियों पर तटबंधों का निर्माण तो दिस इज द क्लोज ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच